तो हमारा पहला अपडेट है नारुतो शिपुडेन से लेकर। तो जैसा कि आप सभी को पता चली गया होगा कि नारुतो शिपुडेन शुरू हो रहा है 18 मार्च से मंडे टू फ्राइडे रात के 10 बजे और हर दिन इसके 2 एपिसोड आने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग मेरे से कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि क्या इसका रिपीट टेलीकास्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो यार रिपीट टेलीकास्ट के बारे में तो मेरे पास कोई भी जानकारी नहीं है, बट हाँ अगर आप किसी कारण इसको मिस कर देते हो तो जियो टीवी पर आप इसके रिपीट टेलीकास्ट को देख सकते हो। हमारा नेक्स्ट अपडेट है कार्टून नेटवर्क इंडिया की तरफ से। तो बहुत सारे लोग यार जानना चाहते हैं कि सोनी ये ने नारुतो शिपुडेन हिंदी डब रिलीज डेट अनाउंस कर दिया, तो कार्टून नेटवर्क कब करेगा वो ड्रैगन बॉल जीटी को, या ड्रैगन बॉल की जो न्यू सीरीज है जो भी है वो कब लाएगा। तो देखो इसके रिगार्डिंग तो यार मेरे पास कोई भी अपडेट नहीं है। आपको जाकर कार्टून नेटवर्क इंडिया के हैंडल पे ही जाके कमेंट करके या उस पे मैसेज करके आपको पूछना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या वो कैंसिल हो गया, तो देखो कैंसिल तो मे भी नहीं हुआ है, क्योंकि अगर कैंसिल हुआ होता तो कार्टून नेटवर्क अकीरा टोरियामा जब गए थे इस दुनिया से तो उनके बारे में वो पोस्ट नहीं करता, तो कैंसिल तो नहीं हुआ है। ड्रैगन बॉल जीटी तो आएगा ही, लेकिन मे बी इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, मे बी अप्रैल या मई तक, तो हमें वेट करना पड़ेगा। इसके बाद डिमन स्लेयर की जो मूवी यार इंडिया में लगी थी तो उसने यार बॉक्स ऑफिस के मामले में 7 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है। इसके बाद जोजो बिजारे का जो एनिमे है इसका एक मोबाइल गेम निकलने वाला है 2025 में। इसके बाद जो लोग यार लुकिज्म सीजन 2 का वेट कर रहे हैं तो आपको बताना चाहूंगा कि लुकिज्म के जो क्रिएटर है उन्होंने ही एक न्यू एनिमे बनाया है जिसका नाम है वायरल हिट। जैसे लुकिज्म जो एनिमे है वो है लुक्स के बारे में कि कैसे लुक्स का यार मजाक उड़ाया जाता है, कोई मोटा रहता है या बसूरा टाइप में रहता है तो उसके लुक्स का मजाक उड़ाया जाता है। और जो ये वायरल हिट एनिमे है इसमें भी यार वैसा ही कुछ है। इसमें ये होता है कि एक पतला दुबला यार इंसान रहता है शरीफ टाइप का, और उसको यार स्कूल में जो यार बदमाश बच्चे रहते हैं वो उनको यार मारते हैं, रैगिंग करते हैं, तो कैसे वो यार ताकतवर बन जाता है और कैसे यार उन लोगों को सबक सिखाता है यही देखने को मिलेगा। तो यार इसका ट्रेलर देखा तो काफी यार शानदार लग रहा है और मे बी इसको हिंदी डब में मिल सकता है, तो मैं तो यार इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसको हिंदी डब में देखने के लिए। आप एक्साइटेड हो या नहीं कमेंट में यार जरूर बताना, मेरे से तो यार राह ही नहीं जा रहा है इस एनिमे के लिए। हमारा नेक्स्ट अपडेट है माय हीरो एकेडमी सीजन 7 से लेकर, जो कि यार एयर होने वाला है 4 मई को और इसका 30 सेकंड का ट्रेलर बाहर आ चुका है। हमारा नेक्स्ट अपडेट है जी कैफे से लेकर, तो 1 अप्रैल 2024 को एक न्यू हॉलीवुड शो आने वाला है जिसका नाम है बेटर कॉल सॉल। हमारा नेक्स्ट अपडेट है अकीरा टोरियामा से लेकर, तो आपको बताना चाहूंगा कि ड्रैगन बॉल दाइमा जो है वो अकीरा टोरियामा का लास्ट प्रोजेक्ट है जिसमें वो इन्वॉल्व थे। हमारा अगला अपडेट है ड्रैगन बॉल सुपर 2 से लेकर, तो इसका ड्राफ्ट पेजेस बाहर आ चुका है और जो ऑफिशियल मांगा है वो आने वाला है 20 मार्च को, और इसी के साथ सुपर हीरो आर्क एंड हो जाएगा और एक न्यू आर्क शुरू होगा। हमारा नेक्स्ट अपडेट है क्रंची रोल के अप्रैल के 2024 में आने वाले शो से लेकर, तो कौन कौन से शोज एनिमे आने वाले हैं उनके नाम आपको दिख रहा होगा, और जो हिंदी तमिल तेलुगु है उसका भी नाम बहुत जल्दी अनाउंस होने वाला है, तो वो भी आप जाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि ऐसे अपडेट्स को आप मिस ना कर पाओ। हमारा नेक्स्ट अपडेट है वन पीस के स्पॉयलर से लेकर, तो इसका मांगा 1110 का स्पॉयलर बाहर आ चुका है। हमारा नेक्स्ट अपडेट है ड्रैगन बॉल सेनोवर्स 2 गेम से लेकर, तो यार उन्होंने अकीरा टोरियामा को ट्रिब्यूट देने के लिए गेम के अंदर ही जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबसे स्पीड बम्प करवाया है। इसके बाद डेट टाइम आई गॉट रिकार्नेटेड एज अ स्लाइम का सीजन 3 आने वाला है 5 अप्रैल को। इसके बाद आपको बताना चाहूंगा टूनामी जो चैनल है फिलहाल इंडिया में पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है मुझे नहीं पता, लेकिन जहां भी पकड़ता है वहां पर 16 मार्च को बैक टू बैक ड्रैगन बॉल जी के एपिसोड्स आने वाले हैं टूनामी पर, और ये सिर्फ है अकीरा टोरियामा को ऑनर के लिए जो वो चले गए हैं। हमारा नेक्स्ट अपडेट है आरजी बकेट लिस्ट से लेकर, तो उनका न्यू वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। जैसा कि आपको पता होगा बहुत टाइम से अनएक्टिव थे और इसी के बारे में तो उन्होंने अपने इंस्टा पर डाला है कि सॉरी गाइज बहुत दिनों से आपसे दूर था क्योंकि यार मैं कुछ पर्सनल प्रॉब्लम से जूझ रहा था, लेकिन न्यू वीडियो आने वाली है अगले वीक जिसमें बहुत सारे सरप्राइजेस आपके लिए हैं, आपके धैर्य के लिए और पेशेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।